एक मिनट सर, कहाँ गए रामाश्रय बाबू? रामाश्रय बाबू। बाढ़ के भटगांव रोड स्थित जेडीयू पार्टी कार्यालय में आज चुनाव को लेकर काफी उथल पुथल और गहमा गहमी का आलम रहा। जिला अध्यक्ष पद हेतु चुनाव के दौरान पार्टी के ध्वजवाहकों के बीच रस्सा कसी के उपरांत अशोक चंद्रवंशी के नाम पर मोहर लगी और एक बार फिर उन्हें जिला अध्यक्ष की कुर्सी मिली। जेडीयू ने उनके सहयोगी दल के स्थानीय नेताओं की ओर से बधाई का सिलसिला जारी रहा। जो चुनाव संपन्न हुई है जिलाध्यक्ष पर, इस पे आप क्या कहें? देखिए, सभी डेलीगेट और प्रखंड अध्यक्ष और बाढ़ के नगर अध्यक्ष की राय और हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे यहाँ और वरिष्ठ साथी के सबका हाथ उठा करके राय लिया गया। सबने सर्वसम्मति से अशोक कुमार जी को जिलाध्यक्ष के रूप में हाथ उठाकर समर्थन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जिला निर्वाची पदाधिकारी जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं आदरणीय रामाश्रय बाबू, उनके नेतृत्व में सब लोग की उपस्थिति में बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ कि पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए हमारे नेता के आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए निर्विरोध के रूप में अशोक कुमार जी को चुनाव जिताने का काम किया। इसलिए सभी लोग को मैं अपनी ओर से यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। फिर जिलाध्यक्ष बने तो क्या लगता है कि जदयू में अभी क्या कमियां रही है जिसको दूर करें? सबसे पहले पुनः जिला अध्यक्ष बनाने के लिए हम बाढ़ संगठन के सभी प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और सभी जो हमारे सम्मानित साथी सभी प्रखंड से डेलीगेट बने थे और जो हमारे वरिष्ठ नेता हमारे प्रखंड अंतर्गत हैं, जो हमको निर्विरोध ये सम्मान दिया, उसके लिए सबसे पहले हम आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मेरा प्रथम प्रायोरिटी होगा कि हम संगठन को बूथ स्तर तक इस बार मजबूत करें। हमारा संगठन बाढ़ संगठन में सबसे अधिक मजबूत संगठन हो, यही मेरी प्रायोरिटी और प्राथमिकता होगी। आज मनोनीत किए हैं अशोक जी, जिलाध्यक्ष हुए हैं बाढ़ का, एकक कार्यकर्ता अशोक जी हैं बाढ़ का, एकक कार्यकर्ता नीतीश कुमार है बाढ़ का, एकक सिपाही ललन बाबू हैं। और 24 का चुनाव देखने के लिए मिलेगा कि क्या होता है बाढ़। बाढ़ बाढ़ बन जाएगा, बिहार में बाढ़ ला देंगे जदयू का। मुल्क में मोहब्बत होता है में आप रहे हैं, आज आप लोगों का जिस तरह का निर्णय रहा परंपरागत तरीके से आज भी चुनाव संपन्न हुई, अब किस तरीके की तैयारी आप करना चाहते हैं आपकी टीम? हमारी टीम जो है बहुत मजबूती से इसमें काम करेगी और मेरा टारगेट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नीतीश कुमार, उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। लोकसभा क्षेत्र मुंगेर हम लोगों का पड़ता है, इसलिए उनको हाथ के मजबूत करेंगे और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से उनको बहुमत हम दिलाएंगे और लीडिंग दिलाएंगे। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि शीर्ष नेतृत्व में आनाकानी करते हैं, तो उस तरह के कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ डिसिप्लिन नहीं करेगा, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, मैं अपना सभ्यता संस्कार का परिचय नहीं देगा, वो जदयू का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है और नीतीश बाबू के बैनर बहुत दूर तक ज़्यादा नहीं चल सकता है, मेरा अपना मानना। आने वाला समय में बहुत सारे ऐसे प्रकोष्ठ है जो अभी कुछ दिन पहले ही भंग कर दिया गया, तो उन प्रकोष्ठों का कमी खल पाएगा या मजबूती तो शीर्ष नेतृत्व करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका जैसा आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। हर जगह एक मांग हो चली है कि जो स्वर्ण संगठन जिला पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, अब जिस स्थिति परिस्थिति में है महागठबंधन के साथ आपका पार्टी मिल गई है, अब किस तरह की मजबूती देना चाहेंगे सर? बाढ़ संगठन जिला जदयू का जिला रहा है और इसके नेता हमारे सर्वमान्य मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन जन के नेता, वो हमारे नेता रहे हैं, हमारे बाढ़ के, बाढ़ से वो सांसद रहे 5 बार, यहीं से वो मुख्यमंत्री बन रहे। मैं सारे बाढ़ समाज के जितने भी कार्यकर्ता जदयू के हैं उनकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। अशोक चंद्रवंशी जी इसके पहले भी पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, आज फिर इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जो कि जन जन के नेता हैं, एक एक कार्यकर्ता का सम्मान इनको मैंने देखा है करते हुए, इनके रहने से बाढ़ संगठन जिला मजबूत होगा और पार्टी मजबूत होगी। हमारी पार्टी यही चाहती है कि हर जिले में ये जो है तो चुनाव आपस में शांतिपूर्ण ढंग से हो
और आपसी सहमति से हो, जो हमारे नेता का है कि इसमें कोई भी विरोध ना हो। आज निर्विरोध चुने गए हैं, नॉमिनेशन हुआ, उसमें पूर्व जिला अध्यक्ष परशुराम पारस जी भी थे, उन्होंने सर्वसम्मति से इनको अशोक जी को आज अपना बाढ़ जिला अध्यक्ष चुन लिया है। और सारे जितने भी संगठन जिला के थे, हर इसके सारे लोगों ने आप अशोक जी को जो है तो अपना जिला अध्यक्ष माना है। और यहाँ पे करीब करीब लगभग 150 आदमी यहाँ पे मौजूद थे, कार्यकर्ता जदयू के, सारे लोगों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से अशोक जी को अपना जिला अध्यक्ष माना है। सर, आगामी में आने वाले समय में 2024 और 25 की भी जब मजबूती से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, इस बार और मजबूती से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, इसलिए कि आज लड़ाई बहुत बड़ी हम लोगों की है। अशोक जी को भी बाढ़ जिला अध्यक्ष बने हैं, वो मुंगेर लोकसभा में बाढ़ भी आता है और विधानसभा बाढ़ भी है, ये इसकी मजबूती से ये बाढ़ के जनता को एकजुट करेंगे और ये बाढ़ विकास की ओर जाएगा। ये संगठन जिला बाढ़ है, नीतीश कुमार की धरती है, नीतीश कुमार की ये राजनीतिक क्षेत्र है, इसको जो है तो ये आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।